हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी शक्करपारे। ये शक्करपारे मार्केट जैसा बना हुआ है। आप इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल मार्केट जैसा शक्करपारे बन के तैयार होगा। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद है तो लाइक करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वीटी। वेलकम टू माय चैनल स्वीटी रियल लाइफ। शक्करपारे बनाने के लिए मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ। इसे छान लेंगे। मैं 1 कप मैदा ली, मैं 1 कप मैदा और ले ली। इसको अच्छे से छान लेंगे। दो कप मैदे को छान दिए हैं, ये देखिए। अब इसमें डालेंगे हम 3 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। आप घी भी डाल सकते हैं। अब मैदे में और रिफाइंड से अच्छे से मोइन देंगे। हम दोनों हाथों से ऐसे मोइन देंगे मसलते हुए तली से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मोइन अच्छे से दे दिए हैं। अब मेजरमेंट करना है तो 1 कप मैदे में पूर्ण आप इसमें रिफाइन ऑयल या घी डालेंगे तो बहुत ही खस्ता और अच्छी बनेगी। इसमें मोइन दे दिए हैं। अब इसमें डो लगाएंगे। इसको डो लगाने के लिए मैं पानी ऐड कर रही हूँ। पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आटा को लगा के हम तैयार कर लिए हैं डो। अब इसको रख देंगे साइड में। इस पर हल्का सा ऑयल लगा देंगे और 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे इसको। इसको ढक के रख देंगे। डो हमारा रेस्ट कर चुका है। एक बार इसे और मसल देंगे और चलते हैं शक्करपारे बनाने। यहाँ गैस पे कढ़ाई रख दिए हैं। कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाल दिए हैं। ये इसे गैस को कर देंगे लो और इसे गर्म होने देते हैं। जब तक ये गर्म हो रहा है तब तक हम शक्करपारे बेल के रेडी कर लेंगे। इसे 2 भाग में लोई बना लेंगे। आप 3 लोई भी बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं 2 लोई बना ली हूँ। अब इसे चलते हैं बेलने के लिए। बेलने के लिए 1 लोई को ले लेंगे। अब इसे बेलेंगे, इसे घुमा घुमा के बेलेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं पूरा एक गोल शेप दे दी हूँ, इसे बेल दी हूँ। ये देखिए साइज इतना रखना है, आप देख सकते हैं साइज को ऐसे ही रखना है। अब इसे काटेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं सबको काट ली इधर से। अब इधर से काटेंगे तो इधर से आप थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं, जैसे 1 इंच या 1.5 इंच कर सकते हैं या 1/2 इंच इधर से भी कर सकते हैं। तो ये चौकोर होगा। मैं 1/2 इंच करके दिखा रही हूँ आप सबको। देखिए 1/2 इंच करेंगे तो चरखुट्टा होगा। आप कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं 1 इंच के लगभग काट रही हूँ इधर से। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं सबको काट ली हूँ। अब एक थाली ले लेंगे। थाली में 1-1 पीस करके उठा के ऐसे रख देंगे अलग अलग। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं सारे शक्करपारे को निकाल ली हूँ। अब चलते हैं गैस की तरफ। ऑयल को चेक कर लेते हैं गर्म हुआ है कि नहीं। गैस को मीडियम रखेंगे। ये देखिए ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें शक्करपारे डाल देंगे।
गैस को मीडियम टू लो रखेंगे। जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक हम एक और जो शक्करपारे बचा है हलवाई उसको हम बना लेते हैं। ऐसे ही इसे गोल्डन ब्राउन तक होने तक हमें इसे फ्राई करना है। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब इसे निकालेंगे। गैस को मीडियम ही रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। देखिए कलर कितना अच्छा आया हुआ है। अब इसे निकाल लेंगे। दूसरा बैच भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। दूसरा बैच भी बनके तैयार हो गया है। फिर से गैस पर रख देंगे कढ़ाई। कढ़ाई में डाल देंगे 1 कप चीनी। मैं 2 कप मैदा ली थी शक्करपारे बनाने के लिए, तो उसका आधा 1 कप चीनी ले रही हूँ। चीनी का आधा पानी लेंगे। 1 कप चीनी के लिए 1/2 कप पानी ले रही हूँ। गैस को कर देंगे हाई और चीनी घुलने तक इसे चलाते रहेंगे। चीनी जब तक ना घुले तब तक चलाते रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, चीनी घुल गई है। अब गैस को कर देंगे मीडियम। इसी में डाल देंगे 1 इलायची, इससे खुशबू अच्छी आएगी। इसे बॉयल होने देते हैं 3 से 4 मिनट। इसे चलाते रहेंगे लगातार। अब जैसे जैसे गाढ़ा होगा वैसे वैसे चलाते रहेंगे इसे। ये देखिए फ्रेंड्स कैसे फेन निकल रही है। चाशनी लगभग हो चुका है। 1 मिनट के लिए और पका लेते हैं इसे। हमें चाशनी को इतना पकाना है ताकि वो जब हम इसे गैस को ऑफ करें तो ये सूखने लगे। सॉरी फ्रेंड्स, लाइट चली गई है इसलिए थोड़ा सा लाइट कम आ रहा है यहाँ पे। ये देखिए फ्रेंड्स, चाशनी बनके तैयार हो गई है। इसे चेक कर लेते हैं। देखिए तार बन रही है, ये इसका पहचान यही है। अब गैस को कर देंगे ऑफ। ये देखिए फ्रेंड्स, चाशनी कितनी गाढ़ी हो गई है। इसी में डाल देंगे शक्करपारे। अब इसको लगातार चलाना है, ऐसे सबको मिला लेना है हमें। अपने आप धीरे धीरे सूख जाएगी। हम गैस को ऑफ कर दिए हैं। हाथ को रोकना नहीं है, इसे लगातार चलाते रहना है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं चाशनी पूरी गाढ़ी हो रही है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, शक्करपारे बनके तैयार हो गई है। सारे चाशनी शक्करपारे में लग गए हैं। ये देखिए सूख गई। अब इसे ठंडा होने देते हैं, उसके बाद इसे सर्व करेंगे। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी लाइक करें, शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये देखिए फ्रेंड्स, शक्करपारे कितनी अच्छी बनी हुई है। मैं यहाँ दिखाती हूँ हाथ में लेके। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही शक्करपारे बना के रेडी करते हैं। इसे सॉल्व करके दिखाते हैं आपको।
ये देखिए फ्रेंड्स, शक्करपारे बन के रेडी हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार, टेक केयर।